कोई सिर कलम करने की बात कर रहा है। चौथ नूपुर शर्मा की गजल लाएगा, Who will ever like गिनी जाए। तो कोई हथियार उठाने की बात कर रहा है। दोनों दरिंदों को फांसी नहीं दी गई, तो मैं कानून को हाथ में लूंगा और मेरे साथ में 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ मिलेंगे और भारत को जिहाद मुक्त करेंगे। इन दिनों देश में धर्म के नाम पर अधर्म की भाषा बोली जा रही है, मानो देश का सुख चैन छीनने की पूरी प्लानिंग हो। सबसे पहले इन बाबा से मिलिए। वैसे तो संतों का काम होता है शांति स्थापित करना, लोगों को धर्म के मार्ग पर ले आना, लेकिन अयोध्या के महंत परमहंस आचार्य हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल की हत्या से हर कोई आक्रोशित है। आतंकियों ने जो किया है उसके लिए जो भी सजा मिले कम ही होगी, लेकिन आचार्य परमहंस जी लोगों को भड़का रहे हैं, कानून को ही खुली चुनौती दे रहे हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज घोषणा करता हूँ, यदि फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके इन दोनों दरिंदों को फांसी नहीं दी गई, तो मैं कानून को हाथ में लूंगा और मेरे साथ में 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ मिलेंगे और भारत को जिहाद मुक्त करेंगे। जो इस तरह से जिहादी है, नूपुर शर्मा ने क्या कहा? नूपुर शर्मा ने वही कहा जो इन जिहादियों के, इन मुसलमानों के ग्रंथ में लिखा है, इनके हदीस में लिखा है। और जब इस तरह की घटना होती है तो कोई मुल्ला उसका विरोध नहीं करता है, इसलिए सारे मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, इनको पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया है, वहाँ चले जाएं। अब इनसे मिलिए। ये है अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ बयानबाजी की। वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। वीडियो में कहा कि बीजेपी प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा का सिर लाने वाले को अपना घर सौंप देंगे। सुनिए जरा। मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नूपुर शर्मा की गजल लाएगा, Who will ever like गिनी जाए। मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रोस्टर भी निकल जाऊंगा, ये वादा करता सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम डूब मरो, इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए देखो। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खादिम सलमान चिश्ती को धर दबोचा है। देश में असल मुद्दे कहीं गायब हैं। शहर शहर सिर्फ धर्म के नाम पर एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। इंसान के दिमाग में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। दोस्तों, देश में धर्म के नाम पर खराब हो रहे माहौल को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।